ये राक्षसी है किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हृदय है हनुमान, अपने ही शत्रु राक्षसी की कुक्षी में पल रहे निर्दोष शिशु की रक्षा करने के लिए महाघातक शूलों का वार स्वयं के ऊपर ले लिया है उन्होंने। अपने शत्रु को ही बचाने के लिए इस वानर ने अपने प्राण संकट में डाल लिए हैं। अब यदि राक्षसी शुल्का के हृदय में लेश मात्र भी ममता है तो वो ये जान जाएगी कि हनुमान से प्रतिशोध लेने का उसका निर्णय अनुचित था, क्योंकि हनुमान ने श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मुझे बचाकर ये मत समझना वानर कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रतिशोध तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, तुम्हारा अंत करने के लिए और भी घातक प्रहार करूंगी और उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का अंत करूंगी। हाँ देवेश्वरी, द्वेष और क्रोध का अंधकार इतना गहन होता है कि नेत्र उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाते। क्रोध में मनुष्य को मात्र प्रतिशोध ही दिखाई देता है जो स्वयं के नाश की ओर अग्रसर करता है। राक्षसी क्या करने जा रही है? एक बार मैं पाताल लोक पहुंच गई तो मेरी मायावी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी और फिर मैं इस वानर का अंत करूंगी और ये वानर मेरा पीछा अवश्य करेगा। रुको, ये कौन है और क्यों मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती है? ये मेरा तो कोई अहित नहीं कर पाई किंतु आनंद में डूबे अयोध्या वासियों पर आक्रमण अवश्य कर सकती है। इसे रोकने के लिए मुझे कोई उपाय तो ढूंढना होगा। जय श्री राम। आओ वानर आओ, यही तो मैं चाहती थी।
तुम्हें शुल्का के महाभयानक मायावी जाल में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। अवश्य ही ये मुझे किसी मायावी जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। मुझे शीघ्र लौट जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। ये धूम्र जैसा क्या है? मेरे पांव को जकड़ रहा है ये। तो मेरा अनुमान सत्य था। मुझे फंसाने की चाल चली थी इस राक्षसी ने। मुझे यहां और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शीघ्र प्रभु श्री राम के पास लौटकर उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देनी चाहिए मुझे। भैया, आज की रात्रि अयोध्या वासियों का यह आनंद उत्सव रुकने वाला नहीं है। ये उत्सव आपके राज्याभिषेक तक यूं ही चलता रहेगा। किंतु स्वामी, सभी व्यवस्थाओं के उत्तरदायित्व लेने वाले हनुमान है कहां? उन्हें तो शीघ्र ही लौट आना चाहिए, जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाए और मंगल स्नान के पश्चात सूर्य देव के उदित होते ही हम भगवान रंगनाथ और अपने पूर्वजों के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले सके। भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए, हनुमान समय रहते अवश्य ही लौट आएंगे। इस मायावी धूम्र ने तो दृढ़ता से जकड़ा हुआ है मुझे, किंतु अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। अब तो विलंब हो ही चुका है मत्काट। अब शुल्का के काली माया के जाल से निकल पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। देखा पुत्र, ये वो मायावी शक्तियाँ हैं जो मैंने तुम्हारे पिता महीरावन से प्राप्त की थी, और अब तुम भी इन मायावी शक्तियों से संपन्न होकर जन्म लोगे। और यदि मैं तुम्हारे पिता के वधिकों का वध करने में असफल रही तो तुम उनका वध करोगे। मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कौन है और क्यों कर रही है ऐसा। ये कहां आ गया मैं? किंतु राक्षसी के अट्टहास की ध्वनि सुनाई दे रही है। है कहां वो? यहां हूं मैं वानर, और ये तुम्हारी मृत्यु का लोक है, उसी पाताल लोक की भांति जहां तुमने मेरे स्वामी मही रावण का अंत किया था। स्मरण है तुम्हें वानर, कैसे तुमने छल से मेरे स्वामी महीरावन का वध किया था। आमने सामने लड़ने का साहस नहीं था तुम में, इसलिए छल से छुपकर घात किया तुमने। माते, आपको भ्रम हुआ है। मैंने महीरावन के साथ कोई छल नहीं किया। मैंने तो मात्र महीरावन के छल का उत्तर दिया है। उचित है, तो आज तुम्हें उस दिन का उत्तर ये महीरावन की पत्नी शुल्का देगी। अधर्म महीरावन ने किया था। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया को माया से अचेत करके वो महापाताल लोक ले आया था। उसी अचेतावस्था में वो उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। बस उसके दुष्कर्मों का फल मिला है उसे। तो अब तुम भी अपने कर्मों का फल भोगोगे वानर, और
राम ही नहीं, वो राम और लक्ष्मण भी, जिनके कारण तुमने मेरे स्वामी का वध किया। मेरी होने वाले संतान से उसके पिता को छीन लिया, हमारा राज भी छिन गया। वो राम और लक्ष्मण भी नहीं बचेंगे मेरे प्रतिशोध से। सबसे प्रतिशोध लूंगी मैं, सबसे। प्रतिशोध कभी भी शांति नहीं दे सकता। आप सत्य को देखिए, धर्म को पहचानिए और प्रतिशोध की भावना आप अपने हृदय से निकाल दीजिए, तभी आप अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकेंगी। शांति नहीं प्रतिशोध, और ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हारे रक्त से शांत होगी वानर। युद्ध करो मुझसे। नहीं माता, नहीं, मैं स्त्री पर वार नहीं करना चाहता। और फिर आप तो गर्भिणी हैं, मैं आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। पुत्र हनुमान को आ जाना चाहिए, ऐसे कार्यों में अधिक समय नहीं लगता है उन्हें। हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके ही आएंगे, कार्य पूर्ण किए बिना वो अपने स्थान से नहीं दिखते। प्रभु का कार्य पूर्ण करके मुझे शीघ्र वापस जाना होगा, इसलिए आपसे विनती है कि आप प्रतिशोध की ज्वाला में अपनी ममता को ना जलाएं। कुक्षी में स्थित शिशु पर माता की हर भावना, हर कृत्य का प्रभाव पड़ता है माता, अतः आप शांति को धारण कीजिए, अपनी संतान का भविष्य नष्ट मत कीजिए। बहुत हो गया ये शांति का पाठ, अब अपने मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। आक्रमण करो इस वानर पर और अंत कर दो शोध लेने के लिए उतावले हो रहे हो। समझ गई मैं पुत्र, तुम इसी समय जन्म लेकर इस वानर से प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो। वो राक्षसी नहीं दिखाई दे रही है,
जय श्री राम। तो राक्षसी अपने पुत्र को जन्म देने का प्रयास कर रही है। बाहर आओ पुत्र, बंद कर दो इस वानर का। ये मायावी राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। राक्षसों में कि जन्म लेते ही शिशु से इतना विकराल रूप प्राप्त कर लिया।
महिरावन अपने पिता महिरावन की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आऊंगा, उस मरकर द्वादर का वध मैं करूंगा, मैं उस द्वादर का अंत कर दूंगा। संतान का प्रयोग निज स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकता है।